को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज रामलला विराजमान अपनी दलीलें रखेगा और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन से कहा था कि अगर वो बीच में छुट्टी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मामले की सुनवाई 5 दिन ही होगी। सुनवाई के समय में कोई कटौती नहीं की जाएगी और रोजाना सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद के मामले की हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक सुनवाई करने के फैसले से यह संभव है कि अयोध्या मसले पर फैसला नवंबर के दूसरे हफ्ते से पहले आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में उन पर रिटायर्ड होने से पहले फैसला सुनाने पर जोर रहेगा। वहीं जानकारों के मुताबिक इतना समय काफी है क्योंकि इस मामले में एक पक्ष निर्मोही अखाड़ा अपनी बहस पूरी कर चुका है। अब रामलला विराजमान की सुनवाई चल रही है, संभव है कि आज उनकी दलीलों पर सुनवाई पूरी हो जाए। इसके साथ ही कोर्ट पक्षों से ये भी कह सकता है कि वो अपना जवाब लिखित में दे दें, जिससे कोर्ट के पास फैसला लिखने के लिए पर्याप्त समय बचेगा। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कोर्ट उन अपीलों पर विचार नहीं करेगा और मामले पर जल्द फैसला करने में आसानी होगी। किसी